हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एके ऑनलाइन पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके ऑनलाइन पॉइंट में। जैसे फ्रेंड्स आप लोग देख पा रहे हैं, आपके बिहार सरकार द्वारा फिर से एक न्यू वैकेंसी निकाली गई है। वेरियस पोस्ट हैं, यदि हम पोस्ट की बात करते हैं तो स्टाफ नर्स, फार्मिस्ट, काउंसलर, जी हाँ फ्रेंड्स, इन सभी पदों के लिए वैकेंसी निकाली जा रही है। सीधी भर्ती है, आपसे कोई भी एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। केवल यहाँ पर आपसे वॉक इन इंटरव्यू के बारे में यदि आपने सुना होगा तो आपसे केवल यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट आप लोग जाकर आवेदन कर सकते हो। इंटरव्यू किस डेट को लिया जाएगा सारी जानकारी आपको आगे चल के इस वीडियो में पता चलेगी। जी हाँ फ्रेंड्स, सीधी भर्ती है, आपसे ना तो कोई एग्ज़ाम लिया जाएगा, ना तो एग्ज़ाम की कोई फ़ी आपसे मांगी जाएगी। आपको डायरेक्ट अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ एड्रेस पे पहुंचना है। वो एड्रेस आपको आगे चल के वीडियो में बताएंगे कि ये जो वैकेंसी निकाली जा रही है किस डिपार्टमेंट के तरफ से निकाली जा रही है, ठीक। तो और ये जो जिन पदों पर निकाली जा रही है वो तो हमने आपको पहले बता दिया है। तो इंटरव्यू आपका किस डेट को लिया जाएगा ये सारी जानकारी आपको बताएंगे, और क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं, और इनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, मेन इंपॉर्टेंट है जो कि क्वालिफिकेशन क्या होगा, ये सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलेगी। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा। उससे पहले फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ठीक। मैं आपको लेटेस्ट जॉब से जुड़ी 2 से 3 वीडियो दिन भर में आपको अपलोड करता रहता हूँ, ठीक। तो चलिए आपको ले चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर। एंड फ्रेंड्स, जैसे आप लोग देख पा रहे हो, मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आ चुका हूँ, जो कि हाल ही में हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड करके रखा था। आप लोग देख पा रहे हो बिहार सरकार द्वारा वैकेंसी निकाली जा रही है। यदि हम कार्यालय की बात करते हैं तो असैनिक शैल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी समस्तीपुर, तो ये जो वैकेंसी है समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट के तरफ से निकाली जा रही है। जी हाँ फ्रेंड्स, एंड यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू आप लोग देख पा रहे हो, वॉक इन इंटरव्यू आपसे लिया जाएगा। तो चलिए डिटेल में बताते हैं कि ARTI केंद्र सदर अस्पताल समस्तीपुर के लिए संविदा के आधार पर वर्तमान में रिक्त हेतु ये वॉक इन इंटरव्यू के द्वारा चयन के लिए समाचार पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से, तो आपका जो है समाचार पत्रों में विज्ञापन निकाला गया था जो कि मैंने आपको बताया। और ये वॉक इन इंटरव्यू लिया जाएगा किन पदों के लिए लिया जाएगा, तो काउंसलर, स्टाफ नर्स, फार्मिस्ट, इन पदों के लिए वैकेंसी निकाली जाएगी। और ये जो आपका इंटरव्यू होगा कब होगा, देख पा रहे हो 19/2/2020 यानी कि 19 फरवरी को, और यहाँ पर देख पा रहे हो जो आपका हस्ताक्षरित कार्यालय प्रकोष्ठ में साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू हेतु योग्य उम्मीदवार को उपस्थित होने के लिए सूचित किया जाता है। उम्मीदवार उक्त तिथि को अपने सभी मूल प्रमाण पत्र एवं उसकी छाया प्रति यानी उसकी 2 कॉपी, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो, आपके पास 2 फोटो होनी चाहिए, 11 बजे पूर्वाहन में उपस्थित होंगे। आपको 11 बजे का टाइमिंग दिया गया है, कब को, 19 फरवरी को आपको उपस्थित होना है। योग्य उम्मीदवार के चयन का अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा और उक्त तिथि को निम्न तालिका में वर्णित पद हेतु साक्षात्कार लिया जाएगा यानी कि आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। तो 19 फरवरी को आपका इंटरव्यू 11 बजे से स्टार्ट होगा, आपको 11 बजे पहुँच जाना है। कहाँ पर पहुँच जाना है सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई है जैसे कि हमने आपको बताया, ठीक। एक बार आप लोग एड्रेस फिर से देख लीजिए, ARTI केंद्र सदर अस्पताल समस्तीपुर। एंड आप लोग देख पा रहे हो क्वालिफिकेशन की अब बात करते हैं, यदि जो लोग काउंसलर के इंटरव्यू के लिए जाएंगे उनको मास्टर डिग्री इन सोशल वर्क, और यहाँ पर देख पा रहे हो दिया गया है आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए, या फिर अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो कैंडिडेट विथ डिग्री इन सोशोलॉजी में भी कंसीडर्ड, आपके पास सोशोलॉजी की डिग्री होना चाहिए, या फिर ये भी क्वालिफिकेशंस नहीं है तो ये दिया गया, ए क्वालिफाइड ग्रेजुएट नर्स कैन बी अपॉइंटेड एज काउंसलर बट ही सी मस्ट, आप देख पा रहे हो, अंडरगो 12 डेज काउंसलर ट्रेनिंग एट नाको डिजाइनटेड इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पर देख पा रहे हो डिजाइनटेड इंस्टीट्यूट जो नाको होता है उस इंस्टीट्यूट से आपको 12 दिन का यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, और फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। और इसके बाद फिर दिया गया नॉट क्वालिफाइड एंड कम्प्लीटेड, तो आपके पास क्वालिफाइड होना चाहिए, साथ में कम्प्लीटेड होना चाहिए, PLHHIB विल बी गिवन प्रिफ्रेंस, ठीक। अब आगे बात करते हैं स्टाफ नर्स के लिए, तो स्टाफ नर्स के लिए आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर क्या दिया जा रहा है कि BSc नर्सिंग GNM, ठीक, BSc नर्सिंग GNM होना चाहिए, या तो आप BSc से नर्सिंग किए हों या फिर आपके पास GNM होना चाहिए, अब्लिक है यानी कि इन दोनों में से एक क्वालिफिकेशन होना चाहिए, या फिर आप NM विथ मिनिमम 3 ईयर्स, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपने NM किया हो 3 ईयर्स से, या फिर इसके लिए आपके पास अथवा में एक्सपीरियंस होना चाहिए। और सभी के लिए एक एक पोस्ट ही है यहाँ पर, ठीक। तो मैं कोई भी एक भी पोस्ट छोड़ना नहीं चाहता, जो भी मुझे मालूम होता है हम आप लोगों के लिए वीडियो के माध्यम से सूचित कर देते हैं।
फार्मिस्ट के लिए आप लोग देख पा रहे हो डिग्री इन फार्मेसी फ्रॉम रिकोनाइज इंस्टीट्यूट, या फिर आपके पास डिप्लोमा होल्डर इन फार्मेसी विथ 3 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन हेल्थ केयर। और नोट आप लोगों के लिए भी यहाँ पर एक नोट दिया गया है कि मस्ट बी रजिस्टर्ड इन द कंसर्नड स्टेट। यहाँ पर देख पा रहे हो फार्मेसी काउंसिल से आपका रजिस्टर्ड होना ज़रूरी है। और सभी की सैलरी यहाँ पर 13,000 रुपये बताई जा रही है और ये संविदा के आधार पर जॉब है, ठीक। और उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर दिया गया है कि 1 वर्ष के संविदा के अनुबंध पर कार्य करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार इंटरव्यू में उपस्थित हो सकते हैं और चयन होने के उपरांत अनुबंध संविदा के विस्तार मानदेय एवं मानदेय वृद्धि को नाकू बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति के मापदंडों के आधार पर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, संविदा पर ये जॉब है और यदि आप इन क्वालिफिकेशन को रखते हैं तो आप लोग जा सकते हैं इंटरव्यू के लिए। एंड जानकारी आपको कैसे लगी और साथ में ये नोटिफिकेशन चाहते हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या फिर आपको टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कीजिए AK ऑनलाइन पॉइंट, तो आपको मेरा चैनल मिल जाएगा टेलीग्राम पर, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए। जस्ट इस वीडियो के बाद ये नोटिफिकेशन वहाँ पर शेयर कर दिया जाएगा। तो जानकारी कैसे लगी फ्रेंड्स, लाइक करके बताएं वीडियो को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय, टेक केयर।